आज के जो टाइटल है उसमें मैंने कहा है कि कोशिश करिए रोज कि एक भी पाप का विचार आपके अंदर ना आए। यही आपकी जीत है, यही आपकी जीत है। आप समझिए परमेश्वर करीब आ गए। कोशिश करिए कि एक भी दिन ये मंडे से लेकर सैटरडे तक कोई भी पाप का विचार मेरे अंदर ना आए। इसी कोशिश में प्रार्थना करिए। शैतान लाएगा, आप आजमाइश में आएंगे, आंखों की लालसा, शरीर की अभिलाषा, बुद्धि का घमंड आपको बेचैन करेगा। आपका हाथ बार बार जाएगा फोन पर। आपको अपने आप को कंट्रोल करना है। नहीं, इस वीक आपकी लड़ाई आपके साथ है, किसी और के साथ नहीं है। ये हफ्ता जो मैं आपको दे रहा हूं, ये जो संदेश है, ये हफ्ता मैं चाहता हूं कि पूरे हफ्ते ये संदेश आपके जीवन में बीते, आपके जीवन में जीवित हो जाए। चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, चाहे आप धंधा कर रहे हैं, चाहे आप घरों में हैं, ये वचन आपके जीवन में जीवित रहे कि मुझे अहद करना है, मुझे पूरी तरीके से लगन में रहना है कि कोई भी गलत पाप, गलत विचार मेरे अंदर ना आए। रिमैन, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी नुकसान हो जाए, मियां बीवी की लड़ाई हो जाए, बच्चों की लड़ाई हो जाए, पड़ोस में हो जाए, आपका कुलीग जो है आपको धोखा दे दे, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको इस कोशिश में रहना है कि कोई भी गलत पाप का विचार, गलत विचार मेरे अंदर ना आए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए हमें एक्सरसाइज करनी है इस वीक, ये 6 दिन, और 6 दिन के बाद आप मुझे बताएंगे कि आप जीते हैं या आपका शरीर। हेलो, कौन जीतेगा, कौन जीतेगा? आमीन। कहना आसान है, आपको करना है। हालेलुया। कोई भी पाप का विचार मेरे अंदर नहीं आएगा। हालेलुया। इब्रानियों 3:12-13। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। हे भाइयों, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम में से किसी का मन दुष्ट और अविश्वासी हो जाए, कि तुम जीवित परमेश्वर से दूर हो जाओ। आपका मन अगर अविश्वास से भर जाएगा तो दुष्टता और कठोरता आप में आ जाएगी। हेलो, अगर अविश्वास आपके अंदर आया किसी भी रूप में, हालेलुया, किसी भी रूप में, कोई रिश्ते के रूप में अविश्वास, अविश्वास आपके अंदर आ सकता है, आपकी नौकरी में अविश्वास आ सकता है, आपके धंधे में अविश्वास आ सकता है, आपके घर में आप पर विश्वास कर सकते हैं, आपका अविश्वास आपको परमेश्वर से दूर कर देगा। आमीन। मतलब इसीलिए परमेश्वर ने जब आपको चुना तो यीशु मसीह ने आपको विश्वास का वरदान दिया, विश्वास का वरदान। क्यों दिया? इसलिए रोमियो 1:16 पढ़िए, हमें जो परमेश्वर ने उद्धार दिया, हमें जो परमेश्वर ने चुना है, तो हमसे परमेश्वर ने वो क्या चाहता है कि हम अपना जीवन विश्वास से विश्वास की ओर आगे बढ़ाए। रोमियो 1:16, क्योंकि मैं सुसमाचार, हाँ बोले जल्दी, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, इसीलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। आमीन। परमेश्वर की धार्मिकता आपके जीवन में कब काम करेगी? जब आप विश्वास से विश्वास की ओर बढ़ेंगे। आपने मसीह जीवन कैसे पाया? जब आपने विश्वास किया। हेलो,
आपने मसीह जीवन कब पाया, कैसे पाया? जब आपने विश्वास किया कि यीशु मसीह आपके लिए मरा और मर के जिंदा हो गया। हालेलुया, ये आपने विश्वास किया, यानी कि जब आपने विश्वास किया तो संदेह हट गया। आमेन, कुछ भी अज्ञानता नहीं रह गई, विश्वास आपके अंदर आ गया। हालेलुया, अब आपके जीवन को, आप अपने जीवन को उस विश्वास से विश्वास की ओर आगे बढ़ाएं। लेकिन हो क्या रहा है, आज का मसीह संदेह में जी रहा है। आज का जो मसीह है वो संदेह में जी रहा है। आज भी आप संदेह करते हैं, आप विश्वास के संग नहीं जी रहे हैं कि मेरा यीशु मेरे साथ है, परमेश्वर ने जो वचन कहे हैं वो मेरे जीवन में पूरे होंगे। कितने लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं, सुबह उठते धन्यवाद की क्या प्रार्थना करते हैं आप, कि परमेश्वर मैं जानता हूं कि आपकी अद्भुत आशीषित योजनाएं मेरे लिए हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है, क्या आपने ऐसी प्रार्थना की है, क्या आपने उन योजनाओं के लिए धन्यवाद किया है जो भविष्य में आने वाली है? क्यों? क्योंकि आप संदेह करते हैं। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर चुका है, आपके लिए अभी वो कुछ नहीं करने वाला है। याद रखिए, याद रखिए, वो कुछ नहीं करने वाला है। इफिसियों 1:3, वो आपको आशीष दे चुका है, वो यीशु मसीह के द्वारा आपको पापों से मुक्त कर चुका है। कुलुसियों 2:16, वो शैतान को हरा चुका है, शैतान के सारे अधिकारों का नष्ट कर दिया है, उसने उसको निश्चल बना दिया है। इफिसियों 1:3 पढ़िए बेटा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। दी है, सब प्रकार की आशीषें वो आपको दे चुका है, देना नहीं है। हेलो, वो आपको देने वाला नहीं है। इसलिए जो आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे आशीष दे, परमेश्वर मेरी नौकरी अच्छी हो जाए, मुझे दे दे, आप क्या मांग रहे हैं? वो दे चुका है। अभी तो आप ये प्रार्थना करिए कि परमेश्वर मुझे वो बुद्धि दीजिए ताकि मैं तेरी उन आशीषों को जो मेरे जीवन में घटने वाली हैं उनको समझ सकूं, उनको समझ सकूं। आप गलत प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर दया कर शैतान को मेरे जीवन से हटाइए, वो हटा चुका है। आप गलत प्रार्थना कर रहे हैं, वो दे चुका है आपको। Praise the Lord। क्यों आप प्रार्थना कर रहे हैं गलत? क्योंकि आपके अंदर विश्वास का वरदान नहीं है, आपके अंदर विश्वास की स्पिरिट नहीं है, आप संदेह की स्पिरिट पे चल रहे हैं। क्योंकि शैतान आपके अंदर संदेह डाल रहा है कि तेरा कुछ नहीं होगा, आपसे बोलता है अरे कितने समय से तू चर्च जा रहा है, क्यों नहीं हो रहा तेरा, क्यों नहीं अच्छा हो रहा तेरा, तू कितनी देर से प्रार्थना कर रहा है, क्यों नहीं हो रहा तेरा अच्छा। क्योंकि शैतान आपको यह नहीं बता रहा है कि तू प्रार्थना ही गलत कर रहा है। जो परमेश्वर दे चुका है, अभी आप परमेश्वर से परमेश्वर दया कर किसी को भेज और मेरे लिए वो मरे और मेरे लिए मर के जिंदा हो जाए, किसी को भेज, तो भेज चुका है यीशु मसीह को, भेज चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आपको उसने कुर्सी पर बैठा दिया है, आप पता कौन है, आप नहीं समझ रहे हैं आप कौन है। इफिसियों 2:5-6, आप नहीं जानते हैं आप कौन है। तो सबसे बड़ी प्रार्थना करिए कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे ताकि मैं समझ सकूं। जब आपका मन करता है कलीसिया आते हैं, जब आपका मन करता है कलीसिया नहीं आते हैं। 9:30 बजे की सभा है, 10:30 बजे 11 बजे आते हैं आप हाथ हिलाते हुए, क्यों भाई? परमेश्वर आपके लिए इंतजार करे? क्यों नहीं परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है? क्योंकि आप परमेश्वर से चाहते हैं, आप परमेश्वर से कहते हैं तुम मेरे लिए रुको।
आपको परमेश्वर की जरूरत है कि नहीं है? तो हमें उसके लिए पहले आना है, उसके आने से पहले हमें आना है। हेलो, इसलिए आपके अंदर संदेह है, विश्वास नहीं है। इसलिए आप जब चर्च आ रहे हैं तो संदेह लेकर आ रहे हैं। आज देखती हूँ बाप प्रार्थना करके, आज शायद प्रार्थना मेरी सुन ले। कौन सी प्रार्थना? मेरा बच्चा अच्छा पढ़ नहीं रहा है, मेरा कर्ज माफी नहीं हो रहा है। परमेश्वर आपको क्या देना चाहता है? परमेश्वर आपको हर चीजों से माफ कर चुका है, आप उससे ऊपर क्यों नहीं उठ रहे हैं अभी तक? आमीन। आप पहले मूर्ति पूछते थे, अभी यीशु को पूछते हैं, लेकिन तरीका सेम है। मंदिर जाते थे वही प्रार्थना है, और चर्च आते हैं वही प्रार्थना है। ये यीशु है, ये यीशु का घर है, कोई मूर्ति नहीं है, ये जीवित यीशु का घर है। यहां यीशु जीवित है, ये मत भूलिए आप। वो आपको दे चुका है, इसलिए वो क्या कहता है? जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्ग स्थानों में उसके साथ बैठाया। प्रेज द लॉर्ड। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, जिस दिन आपने एहसास किया कि मैं अपराधों के कारण मरा हुआ हूँ, जिस दिन आपने पश्चाताप किया कि मैं अपराधों में किया, मैंने अपराध किए हुए, जिस दिन आपने आप मरे हुए थे, यीशु परमेश्वर ने आपको उठाया। जैसे यीशु को उठाया, आपको उठाया। जिस तरह यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर बिठाया, उसी तरह आपको भी यीशु के दाहिनी ओर बिठाया। अभी आप कहां हैं आत्मा में? परमेश्वर के साथ। हेलो, आप ये सोचिए कि मैं कहां बैठा हूं? परमेश्वर के साथ। ध्यान दीजिए, आप कहां बैठे हैं इस समय? मैं कहां बैठा हूं? परमेश्वर के साथ। और मैं चिंता किस बात की कर रहा हूं? धरती की। आमीन। हेलो, जो अधिकार परमेश्वर के पास है, जो अधिकार यीशु मसीह के पास है, वो अधिकार मेरे पास है। हेलो, अभी भी नहीं समझे आप समझे कि नहीं? जो अधिकार परमेश्वर के पास है, वो अधिकार यीशु को दिए परमेश्वर ने, वही अधिकार मेरे पास है। अभी मुझे धरती पर उन अधिकारों का उपयोग करना है, मुझे यीशु से मांगना नहीं है। हेलो, आपके बच्चे की प्रॉब्लम है, बच्चे के अंदर से दुष्ट आत्मा को आप निकालिए, निकलो, गलत आत्मा मेरे बच्चे को छोड़, हो जाएगी। आप क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? क्योंकि आप खुद ही पूरी तरीके से प्रभु में नहीं है। आप जानते हैं मैं प्रभु में नहीं हूं, आप जानते हैं मैं गलत कर रहा हूं, आप जानते हैं मैं प्रभु को पूरी तरीके से नहीं मान रहा हूं, आप जानते हैं मैं पूरी तरीके से परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चल रहा हूं, आप खुद जानते हैं। आप इसलिए अधिकारों का उपयोग नहीं कर पा रहे। आमीन। जिस दिन आपको पता होगा कि मैं पूरी तरीके से परमेश्वर की अगुवाई में चल रहा हूं, आपके पास जो अधिकार है ना, वो काम करेंगे। जब आप बोलेंगे ना, तो दुष्ट आत्माएं आपकी मानेंगी। अभी आप बोल रहे हैं तो दुष्ट आत्मा आपकी खिल्ली उड़ा रही है क्योंकि वो जानती है दुष्ट आत्मा कि आप पूरे हैं ही नहीं, आप अभी भी मेरे चंगुल में। आज दुष्ट आत्मा से कहते हैं कि यार किसी तरह धंधा बढ़ जाए मेरा, किसी तरह मेरा आशीष मिले, कहीं से भी मिले, कैसे भी मिले, कहीं से भी मुझे रोटी मिल जाए, कहीं से मुझे धंधा हो जाए, 10 लाख मुझे, 15 लाख मुझे मिल जाए बस कहीं से। क्योंकि अभी तक आप पैसों को अहमियत दे रहे हैं। बाइबल क्या कहती है? तो क्या खाएगा, तो क्या पहनेगा, तो क्या पिएगा, इसकी चिंता मत कर,
मेरी धार्मिकता की खोज कर, बाकी सारी चीजें तेरे पीछे आएंगी, तेरे पीछे आएंगी। हेलो, मैंने कल एक बहन से कहा कि मैं इस चीज के लिए प्रार्थना कर रहा हूं और ये चीज मिलनी चाहिए। उस बहन ने कहा, ब्रदर आप कैसी प्रार्थना कर रहे हैं, क्या ये हो सकता है? मैंने कहा, आपसे प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर से कर रहा हूं और मेरा परमेश्वर असंभव को संभव करता है। 2015 से पहले हमारे पास जगह नहीं थी बैठने के लिए, हम काम माउली गुरी माउली हॉल में प्रार्थना करते थे। हालेलुया, किसने दी जगह? हे मेरी माँ, किसने दी? परमेश्वर ने। क्यों दी? क्योंकि उसने देखा। आज भी बहुत से पास्टर्स हैं यहां पर, क्या उनके पास अपनी जगह है? आप क्या समझते हैं? मुझे बहुत दुख की बात है थी, आजकल कई चर्चेस बिजनेस के लिए चलाए जाते हैं, आजकल कई पास्टर्स अपने आप बन जाते हैं, कुछ नहीं किया पास्टर बन गए। मैं पास्टर, प्रार्थना करनी सीख ली और बोलना सीख लिया, बस मैं पास्टर बन गया। आप क्या समझते हैं? चर्च आप चलाएंगे? और हो क्या रहा है कि जो इस तरीके के पास्टर्स बनते हैं ना, वो आत्माओं को गलत शिक्षा देते, गलत शिक्षा देते हैं। और अगर आप उनकी शिक्षा ले लेते हैं, आप गए। गलत वचन अगर आपके अंदर आ गया, अगर गलत गोली आपने खा ली, तो अच्छी भली बॉडी भी आपकी खत्म हो जाएगी। अच्छी भली गोली, अगर आपने गलत गोली खा ली, याद है कि नहीं याद है? अगर आपने गलत दवाई खा ली तो आपका शारीरिक विकास नहीं होगा, खत्म हो जाएगा आपका शरीर, क्यों? गलत गोली खा रहे हैं। इसलिए ध्यान दीजिए, हर एक से प्रार्थना भी मत कराइए। आप क्या समझते हैं प्रार्थनाएं कब पूरी होती हैं? बाइबल कहती है कि जो धर्मी है, धर्मी जन की प्रार्थना आशीष देती है, लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। क्या प्रार्थना करने वाला वाकई धर्मी है? समझिए, मैं जब आपके लिए प्रार्थना करता हूं, आपकी प्रार्थना क्यों पूरी होती है? मेरी प्रार्थना परमेश्वर क्यों सफल करता है? क्योंकि मैं आपके दर्द को अपना दर्द समझकर परमेश्वर से मांगता हूं। हर आदमी जो बोझ में नहीं है, जो चुना हुआ नहीं है, वो ऐसे प्रार्थना नहीं करेगा। वो कहेगा, मैं इसका प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे इससे मिलेगा क्या? मुझे इससे क्या मिलने वाला बहन से? क्या ये मेरे चर्च का है, या मुझे इससे कोई फायदा होने वाला है? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है, मूसा जब फिरौन के पास जाता था और बोलता था कि साहब ये विपत्ति आने वाली है, अंधकार की विपत्ति आएगी, ओले की विपत्ति आएगी, टिड्डियों की विपत्ति आएगी, बोलता था। और जब अंत में फिरौन बोलता था कि प्लीज मूसा मेरे लिए प्रार्थना कर कि विपत्ति हट जाए, कहता था हालेलुया। आपने उस समय मूसा की प्रार्थना सुनी है? चाहे वो फिरौन के लिए कर रहा था कि प्रभु दया कर, फिरौन कहता है कि ये विपत्ति हट जाए, प्लीज हटा दे परमेश्वर। दिल से उसके लिए प्रार्थना करता था। आमीन। वो जानता था कि फिरौन मना कर देगा। उसकी प्रार्थना को सुनिए आप, वो प्रार्थना कर रहा है। जिसके अंदर बोझ है, जो चुना हुआ है, जो परमेश्वर की धार्मिकता को जानता है, वो ये नहीं देखता है कि आप मेरे चर्च में आते हैं कि नहीं आते हैं, वो ये देखता है कि मुझे प्रभु से बोझ मिला है, मुझे प्रार्थना कर रही है इस बहन के लिए, इसको आशीष मिले। आज YouTube के जरिए
कितने लोग मुझे सुबह शाम तक प्रार्थना करते हैं, मैंने उनको देखा भी नहीं है, मैंने नहीं देखा है। एक पूना से भाई का फोन आया था, पूना कहाँ था है ना, पूना आधा शरीर उसका पैरालाइज था, वो बात नहीं कर सकता था, आधा शरीर से पैरालाइज था, बोल नहीं सकता था, चल नहीं सकता था। और एक महीने पहले उसने प्रार्थना की, हमने प्रार्थना की और उसने प्रार्थना को कबूल किया। दूसरे महीने उसने वीडियो बनाकर भेजा और उसने दिखाया कि मैं चल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। उसकी खुशी का आलम नहीं, वो बोल रहा था, वो चल रहा था। किसने ठीक किया? परमेश्वर ने। मैंने उसको देखा भी नहीं है, लेकिन मैंने दिल से उसके दर्द को अपना समझा। प्रार्थना कब पूरी होती है? जब दो व्यक्ति एक ही इच्छा के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर मैं आपकी इच्छा को अपनी इच्छा समझूंगा और तब प्रार्थना करूंगा तो प्रार्थना पूरी होगी। यूं ही अगर प्रार्थना कर, बहन बहन के लिए प्रार्थना कर, नो, मुझे महसूस करना है। इसलिए मेरे पास कितने लोगों ने अपनी पर्सनल बात कही हुई है, कितनी बातें बहन बहने हैं, भाई हैं, अपने पर्सनल बातें मुझे बताते हैं, लेकिन मैं किसी को नहीं बोलता हूं, क्योंकि मुझे प्रार्थना करनी है। हालेलुया। तुम क्या खाओगे, तुम क्या पहनोगे, तुम क्या पियोगे, इसकी चिंता मत कर, पहले मेरी धार्मिकता की खोज करो। उसकी धार्मिकता क्या है? उसकी धार्मिकता क्या है? उसकी धार्मिकता क्या है? उसकी धार्मिकता यह है कि जो उसने कहा है, जो उसने कृपा की है, चाहे वो हमें नहीं मिली, लेकिन फिर भी हमने विश्वास किया कि वो हमें मिलेगी। यह उसकी धार्मिकता है, यह है उसकी धार्मिकता। प्रेज़ द लॉर्ड। यह धार्मिकता अपने अंदर जीवित करिए। जिस दिन आपके अंदर उसकी धार्मिकता जीवित हो गई, उस दिन आपको मांगने का मतलब नहीं पड़ेगा, आप सोचेंगे और वो हो जाएगा। मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप कहां बैठे हैं? यीशु के पास। आप स्वर्ग में कहां बैठे हैं? आमीन। आप अपने आप को समझिए, आप कौन हैं? जिस दिन आप अपने आप को जानने लग जाएंगे, उस दिन आप यीशु को जानने लग जाएंगे। हम यीशु को जानने की कोशिश करते हैं, कैसे? वो कितना देता है, उसने कब दिया था, हम उसको जांचते हैं, नापते हैं उसको, उसको नापते हैं, इसलिए हम उसको जान नहीं पाते। हालेलुया। 45 का 10 और 11 साम 45:10-11 कैसे हम उसको जानेंगे, कैसे वो आपके जीवन में काम करेगा, ये जानना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। बढ़िया। हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। आमीन। क्या कहा उसने? राजकुमारी। सोचिए कि पहला ही शब्द क्या है, संबोधन है राजकुमारी। आपके पास सब कुछ है, आपके पास घर भी है, आपके पास द्वार भी है, आपके पास बैंक बैलेंस भी है, आपके पास नौकर चाकर भी हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? अपने घर को भूल जा, जो तेरे पास है उसको भूल जा, जो तेरे पास है उसको भूल जा, क्योंकि अगर तू उसको नहीं भूलेगा जो तेरे पास है, तब तक तू मेरे दिए हुई चीज को महसूस नहीं कर पाएगा, उसके सामर्थ्य को, उसकी कीमत को नहीं जान पाएगा। इसलिए जो तेरे पास है, हे राजकुमार, हे राजकुमारी, तू तो राजकुमार है, परमेश्वर तुझे राजकुमार कह रहा है, उसको भूल जा जो तेरे पास है, घर से बाहर आ। आगे। और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वो तो तेरा प्रभु है, तू उसे दंडवत कर। आमीन। राजा तेरे रूप को चाहेगा, सराह करेगा। आमीन।
परमेश्वर आपके उस रूप को देखना चाहता है जिसमें आप ये कहें कि मेरे पास कुछ नहीं है, जिसमें आप ये कहें पिता से कि आई एम नथिंग। इसलिए वो कह रहा है कि अपना सब कुछ दे दे, सब कुछ भूल जा, तेरे पास जो पद है, जो तेरे पास पैसा है, जो तेरे पास आर्ट है, जो तेरे पास रूप है, जो भी चीज जो तेरे पास है और तेरे अंदर घमंड पैदा करती है उसको भूल जा, उसको निकाल कर मेरे पास आ, तब मैं तेरे रूप की चाह करूंगा, तब मैं तेरे रूप को जांच पाऊंगा कि ये मेरी बच्ची है, और तब तू दंडवत कर पाएगी। हेलो, तब उस समय परमेश्वर तेरे रूप को देखेगा। अभी हम जाते हैं परमेश्वर के सामने, तो हमारे पास प्रार्थनाओं में क्या होता है, हमारे पास सब कुछ, हमारे पास नौकरी है, सिक्योरिटी है, पैसा है, सब कुछ है, परमेश्वर से हम मांगते हैं, तो परमेश्वर आपके रूप को नहीं देख पा रहा है, इसलिए आप दंडवत कर ही नहीं पा रहे हैं, कर ही नहीं पा रहे। मैकेनिकल हो रहा है, सब कुछ मैकेनिकल हो रहा है, प्रार्थना मैकेनिकल है। हमें मैकेनिकल नहीं करनी, हमें आत्मा में करनी है। हालेलुया। और क्या करनी है कि हमें अपने स्वरूप को, अपने रूप को पवित्र करना है। हालेलुया। मेरे ऊपर मस्तिष्क पर जो एक तख्ती लगी है राजकुमारी की, राजकुमार की, पैसे वाले की, नौकरी पेशा की, धंधे वाले की, कंपनी के मालिक की, वो तख्ती को निकालना है, उस तख्ती को अपने अंदर से निकालना है और कुछ नहीं का बोर्ड लगाना है। आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं हूं। परमेश्वर आपके उस रूप को देखना चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि उस रूप में आप कैसे लगते हैं जब आप उसके पास आते हैं और कहते हैं मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। मैं पूरा एक हफ्ते से प्रार्थना कर रहा था कि मैं क्या बोलूं आज संडे को, मैं क्या बोलूं, क्या बोलूं, क्या बोलूं, कुछ बात मेरे समझ में नहीं आ रही थी। मैंने आने से पहले घुटने टेके कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप मुझे बताइए, मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना है, और मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ इसमें नहीं लिखा हुआ है, एक वचन है सिर्फ, बाकी सब परमेश्वर मुझे दे रहा है, आत्मा मुझे दे रही है। आमेन। जिस दिन आप कहेंगे मैं कुछ भी नहीं हूँ, परमेश्वर चाहता है कि आप रोज ये अंगीकार करें कि मैं कुछ भी नहीं हूं। आप अंगीकार करें कि तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। आप रोज उसको एहसास दिलाइए कि मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है पिता। जैसे जैसे कि उसने किया था, मूसा ने कहा था, मूसा निर्गमन 33:14, हालेलुया, उसने कहा था कि अगर तू मेरे साथ ना जाए तो प्रभु मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। हालेलुया। तू अगर मेरे साथ नहीं चलेगा मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा, तू चल मेरे साथ। आपको पता है उस समय कितनी कितनी बड़ी कलीसिया थी मूसा की, तकरीबन 22-23 लाख लोग थे उसके पास, दुनिया की सबसे बड़ी कलीसिया मूसा के पास थी, मूसा सबसे बड़ी कलीसिया का पास्टर था, लेकिन फिर भी वह बोलता है कि हो मैंने कहा मैं आप चलूंगा तेरे साथ। उससे पहले बताओ 13:13। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। आमेन। अनुग्रह क्या है? अगर मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, अपनी चाल समझा दे, अपनी योजनाएं समझा दे, अपने प्रोमिसेस समझा दे।
कभी ऐसी प्रार्थना की है? आप कहेंगे अगर मुझ पर तेरा अनुग्रह है तो मुझे मेरा धंधा बढ़ा दे, मेरी नौकरी बढ़ा दे, मैन। वो क्या कह रहा है? अगर तू मुझ पर अनुग्रह कर रहा है तो मैं तेरी गति को समझ पाऊं, तेरी चाल को समझ पाऊं। आगे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। आमेन। तेरा ज्ञान, हेलो, आप वो परमेश्वर का क्यों चाहता है कि उसका ज्ञान मुझे मिले? अब आपको पता है उससे पहले वो 40 दिन 40 रात बिना खाए बिना पिए परमेश्वर के पास रह चुका है, बिना खाए बिना पानी पिए। आप रहकर दिखाइए अपने घर में ही 2 दिन, पर्वत पर मत चढ़िए, पर्वत पर मत चढ़िए, गिर जाएंगे आप। अपने घर में ही 2 दिन खाए पिए बिना, और एक CCTV लगवा लीजिए। कोई अगर नहीं है तो हम बाद में देख सकें कि आपने 2 दिन कैसे गुजारे हैं। हालेलुया। वो क्या कहता है कि जिससे मैं तेरा ज्ञान प्राप्त करूं और वो तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, फिर इसकी भी शुद्धि कर कि वो अपनी जाति के प्रति। हाँ, अब देखो चौदहवां क्या कहता है वो। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा। आमेन। मैं आप तेरे साथ चलूंगा। अभी 34वां लाइए, इसका 34वां, 34 अध्याय 34, उसका दूसरा पढ़िए। सवेरे आप देखिए क्या कहता है परमेश्वर, तुझे कैसे आना है मेरे पास। परमेश्वर क्या चाहता है आप कैसे प्रार्थना करें? कभी आप जब प्रार्थना करते हैं कैसे प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर क्या चाहता है? देखिए परमेश्वर क्या बोल रहा है। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, अपने बिस्तर से बाहर आए। आप बिस्तर पर लेटे लेटे प्रार्थना करते हैं, बस ये होता है कि पूरे लेटे नहीं है, आधे लेट जाते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और इतने आप अपने आप को पवित्र समझते हैं उस समय, इतने आप धार्मिक हो जाते हैं कि आप लोग ब्रश करने की भी हिम्मत नहीं करता। नहीं नहीं, पिता है, मेरा मन जानता है, मैं अपने पिता को मन से प्यार करता हूं, करती हूं, सॉरी। हालेलुया। मन से तो परमेश्वर मेरे मुंह से थोड़ी प्यार करेगा, मेरा मुंह धुला है नहीं धुला है क्या है? हालेलुया। तो क्या बता रहा है परमेश्वर, देखिए कि तू जब पर्वत पर आए, जब तू प्रार्थना करने के लिए उठे तो क्या कर? दूसरा पढ़िए 34 का दूसरा। सवेरे तैयार रहना। हाँ? और बोर को सीने पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। हाँ, कैसे? तीसरा, तेरे संग कोई ना चढ़ जाए वरन पर्वत भर पर कोई मनुष्य कहीं दिखाई कोई ना दे। तेरे साथ नहीं होना चाहिए। जब तू प्रभु से प्रार्थना करे तो कोई तेरे साथ नहीं होना चाहिए। तेरी यादें, आपका फोन, कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ तू और मैं। हालेलुया। जब तू मेरे पास आए तो वो चाहता है कि आप अकेले जाएं उसके पास, कोई साथ नहीं होना चाहिए तेरे। हम फोन भी बंद नहीं करते हैं, फोन भी आने वाला होता है। हालेलुया। आगे जल्दी पढ़िए, जल्दी पढ़िए। और न बेड़ बकरी और न गाय बैल भी पर्वत के आगे चलने पाए। चौथा, तब मूसा ने पहली तख्तियों के सामने, पांचवा, तब यहोवा ने बादल में उतर कर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। आमेन। जिस दिन आप अकेले जाएंगे, जब आप प्रार्थना में अकेले जाएंगे, अपने साथ किसी को लेकर नहीं जाएंगे, परमेश्वर आपके सामने उतरेगा। परमेश्वर आपके आप सामने उतरेगा और वो अपना प्रचार करेगा। हालेलुया। क्या प्रचार करेगा? कि मैं कौन हूं। हम परमेश्वर को जानते ही नहीं है,
बिना जाने हम उससे मांगते हैं। वो चाहता है कि मेरा बच्चा मुझे जाने, मैं कौन हूं, मैं अनुग्रहकारी हूं, मैं दयालु हूं, मैं कोप से विलंब करने वाला हूं, आपको देर से विलंब करने वाला हूं, मैं कौन हूं, अपना प्रचार करेगा। आमीन। जिस दिन आप ऊपर चोटी पे पहुंचेंगे और उसे जानेंगे कि वो कौन है, आमीन, मैं सच कह रहा हूं, इतना ही आपके लिए बहुत है, उसको जानिए। जिस दिन आप उसको जानने में कामयाब हो जाएंगे, उस दिन आपकी परमेश्वर बुद्धि खोलेगा। हालेलुया, बुद्धि खोलेगा। निर्गमन 16 का 16 निकालेंगे, उसमें जब परमेश्वर मन्ना भिजवाता है, मन्ना जब कहता है कि मैं तुम्हारे लिए रोज मन्ना, आकाश से मन्ना डालूंगा तुम्हारे लिए, आशीष डालूंगा तुम्हारे लिए, कृपा डालूंगा तुम्हारे लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, रोटी डालूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हारी जरूरतों की चीजें डालूंगा तुम्हारे लिए, तो क्या कहता है 16 का 16, जो आज्ञा यहोवा ने दी है वो ये है, तुम उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोरना। आवश्यकता के अनुसार। हेलो, आप जानते नहीं आपको चाहिए क्या? परमेश्वर चाहता है कि जब आप उसके करीब आए तो आपकी बुद्धि खोले कि आपको चाहिए क्या। जितना आपकी आवश्यकता है उतना लीजिए, उतना मांगिए, आपके अंदर पाप नहीं जाएगा। पाप कौन लेकर आ रहा है? आपकी भूख, आपका लोभ। पाप का कौन लेकर आ रहा है आपके अंदर? आपका लोभ, कल के लिए भी मिल जाए, परसों के लिए भी मिल जाए। वो क्या कहता है कि मैं चाहता हूं कि तू अपनी आवश्यकता के अनुसार ले। तो दो रोटी चाहिए, दो रोटी मिलेंगे, मैं दूंगा पूरा जीवन भर, लेकिन तुझे दो नहीं चाहिए, तुझे 200 रोटी चाहिए। आप 200 रोटी खाते हैं रोज? नहीं नहीं, खाता तो दो ही हूं, तो 200 क्यों मांग रहे हैं? कोई इंसान पूछे, आमीन, परमेश्वर का न्याय तो ऐसे ही है। परमेश्वर चाहता है आप कितना चाहते हैं, आप कितनी भूख है। मन्ना आकाश से बरसाने का मकसद क्या था? कि तुम परमेश्वर को जानो और खुद को भी जानो कि क्या चाहिए आपको, कितना चाहिए आपको। आपके अंदर पाप कौन ला रहा है? आप खुद ला रहे हैं, आप खुद ला रहे हैं पाप। साम 19:12-13-14, साम 19:12-13-14, कौन ला रहा है आपके अंदर पाप? आप खुद ला रहे हैं। आगे बढ़िए, साम 19:12-13-14, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? दोबारा अच्छी तरह पढ़ो, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? हाँ, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। मेरे गुप्त पापों से मुझे पवित्र कर। गुप्त पाप कौन से हैं? जो आपने खड़े खड़े देख लिए, चेहरे पर मुस्कुराहट है और अंदर सामने वाले के लिए गाली है। पति को आप रोटी दे रहे हैं मलाई डालकर, ये आदमी सही नहीं है, ये बहुत कमीना आदमी, गलत इंसान। गुप्त पाप, आप समझ रहे हैं कि किसी को नहीं पता, आप सोच रहे हैं कि मैंने कहा है, किसी से कहा ही नहीं है, मैंने तो सोचा है, लेकिन आपके वो जो गुप्त पाप हैं वो आपको आजमाइश में डालते हैं। इसलिए बाइबल क्या कहती है, वचन क्या कहता है कि मेरे गुप्त पापों से मुझे पवित्र कर, जो मैं अंदर ही अंदर सोच रहा हूं। इसलिए वचन क्या कहता है 5:43 में, अगर देखा जाए कि किसी की किसी औरत के संग गलत संबंध बिताना पाप है, लेकिन बाइबल कहती है, यीशु कहता है, किसी को गलत दृष्टि से देखना भी पाप है। वो आपने गुप्त में उसके संग व्यभिचार किया,
देखना पाप नहीं है, लेकिन गलत दृष्टि से देखना पाप है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये है गुप्त पाप। और हम सोचते हैं कि, और हम इसके लिए कभी माफी भी नहीं मांगते, हम इसके लिए कभी पश्चाताप नहीं करते। आज जैसे अमितेश ने आपको बताया, पश्चाताप जरूरी है, उसका महसूसीकरण जरूरी है, मन का फेरना जरूरी है, तभी आप पूरी तरीके से ईमानदारी के संग उस पवित्रता को समझ पाएंगे जिसकी आप डिमांड कर रहे हैं। इसलिए वो कहता है, तू अपने दास को डिटाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने न पाए। ढिटाई के पाप, इंसान कभी कभी मजाक में पाप करता है, मजाक में किसी की बुराई करता है, मजाक में कोई किसी को झूठ बोल देता है, मजाक में किसी की बेइज्जती कर देता है, वो भी पाप है। उससे क्या लिखा है अंत में, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा। वो मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, वो चीजें मुझ पर प्रभुता ना कर पाए, मुझ पर कंट्रोल ना कर लें। कभी कभी समझा रहे, मैं तो मजाक कर रहा था, मैंने मजाक में बोला आपसे, नहीं, वो चीज आप पर प्रभुता कर, यानी कि शैतान आपको मजाक में आपको फंसा रहा है, आपको मजाक में आप फंस रहे हैं। आपने सोचा मैं दिल से थोड़ी कहा किसी को, मजाक में कहा, लेकिन आपको नहीं पता कि वो ठिठाई का पाप आपको आजमाइश में डालता है, वो आप पर प्रभुता करता है। 14, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो, हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान, परमेश्वर भी यही देखना चाहता है। आप क्या कहते हैं, मेरे मुंह के वचन जो मेरे मुंह से निकले। इसलिए अपने मुंह का ध्यान रखिए, चौकसी करिए अपने मुंह पर कि आप कहीं अपने मुंह से गलत चीज ना बोलें। अगर आप अपने मुंह से गलत चीजें बोलेंगे तो आप आजमाइश में आ जाएंगे। वो क्या कह रहा है कि मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सामने आए, मेरे हृदय में जो है उसको देख तू। इसलिए अपने हृदय में हमेशा स्वच्छता का आशीष रखिए। गलत मत किसी के लिए सोचिए, मत सोचिए गलत किसी के लिए, अपने हृदय में सही भावना रखिए, क्योंकि वो वचन कहता है मेरे मुंह के वचन मेरे मुंह से। आप किसी को झूठी आस मत दीजिए, किसी को खुश करने के लिए मत बोलिए कुछ भी, नहीं, अपने हृदय में। या आप ये रख रहे हैं कि अरे बोल देता हूं, हमने करना तो है नहीं कुछ, गलत बात है। नहीं, क्या बोल रहा दाऊद, मेरे मुंह से निकले वचन और मेरे हृदय पे में जो अंदर वचन है उस पर ध्यान दे। मैन, आप याद करिए, आपको नहीं पता है अंतिम समय चल रहा है, प्रभु यीशु कभी भी आ सकता है। आपका छोटा पाप भी आपको यीशु के पास जाने से रोक सकता है, याद रखिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए कोई पाप ना हो जाए। इब्रानियों 3:13 पढ़िए, जल्दी से अंतिम वचन पढ़ते हैं, उसको खत्म करेंगे। जब तक आज का पहला दिन है, तुम दिन प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहित करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम में से कोई व्यक्ति पाप के छल में पड़कर कठोर हो जाए। आप कैसे पाप को अपने अंदर आने से रोकेंगे? हेलो, ध्यान दीजिए मेरी तरफ देखिए, आप कैसे पाप आपके अंदर ना आए, कैसे आप कोशिश करेंगे? प्रोत्साहित करिए। अगर आपका पड़ोसी कमजोर है उसको जाके प्रोत्साहित करिए। अगर कोई आपका भाई बहन आपके कलीसिया में है और वो अविश्वास में जा रहा है, उसके पास जाइए, उसको प्रोत्साहित करिए। जितना आप लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, संसार का पाप आपके अंदर नहीं आएगा। सुसमाचार सुनाइए, प्रभु के बारे में बोलिए, उसकी महिमा बोलिए, कोई भी पाप आपके अंदर नहीं आएगा। वचन कहता है दूसरों को प्रोत्साहित करिए,
कमजोर है, कोई कमजोर हो रहा है, पीछे अड़ रहा है कि नहीं नहीं मेरी बार मेरी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। नहीं बहन, उठ, सुनेगा। अपनी गवाही बताइए उसे, उसको प्रोत्साहित करिए कि यीशु है जिंदा और वो चमत्कारी परमेश्वर है, उसको बताइए। जितना आप रोज बताएंगे, कोई भी पाप आपके अंदर नहीं घुसेगा। ये खजाने की चाबी है कि पाप आपके अंदर ना घुसे, इसलिए आप लोगों को प्रोत्साहित करते रहिए। अपनी जीवन शैली बना लीजिए, समय निकालिए रोज का एक घंटा लोगों को प्रोत्साहित करने में, चाहे फोन पर करिए, जाके करिए, प्रोत्साहित करिए। हालेलुया, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जितना प्रोत्साहित करेंगे आशीष पाएंगे। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने जब चेलों के पैर धोए थे तो क्या कहा था, यूहन्ना 13:34, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखो। आप कब उसको प्रोत्साहित करेंगे, जब आप एक दूसरे से प्रेम रखेंगे। अब आपके अंदर किसी के लिए प्रेम नहीं है तो आप कैसे उत्साहित करेंगे। आप खाली हैं, खाली बैठे हैं, दोपहर में समय है, जाइए किसी को प्रोत्साहित करिए। नहीं जा सकते, फोन करिए, कैसी हैं बहन आप, कैसे हैं भैया आप। उदास मत होइए, निराश मत होइए, प्रभु जरूर आपकी आशीष देगा, प्रभु जरूर आपको इच्छा पूरी करिए। पाप अंदर नहीं आएगा, कठोरता आपके अंदर नहीं आएगी। आप उसके लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपनी दवाई ले रहे हैं। आप ये समझिए कि आप अगर किसी को प्रोत्साहित कर रहे हैं तो आप अपनी दवाई ले रहे हैं, अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। आप उस पर मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए दीवार तोड़ रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं। आप नहीं जान रहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो समझ गए, कोई भी पाप अपने अंदर आने मत दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब ये आप परमेश्वर से प्रार्थना मत करिएगा कि परमेश्वर कोई भी पाप मेरे अंदर ना आए, आपकी ड्यूटी है। क्योंकि जब पाप आ रहा है तो आप जानते हैं वो पाप है, आप जान रहे हैं कि वो पाप। परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है कि जो विचार आ रहा है आपके अंदर वो गलत है, निकालिए ना उसे, निकालिए। आपको पता है वो गलत है, वो गलत दोस्त है, वो गलत संगति है, पता है ना आपको, निकालिए। लेकिन आपको वो संगति पसंद है, वो दोस्त पसंद है, चलो आज मिल लेते हैं, कल नहीं मिलेंगे, इतने में पाप आपके अंदर आ गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज का वचन हमने ग्रहण किया, आशीष पाई। अब एक हफ्ता ये आपकी एक्सरसाइज है, कल मंडे से लेकर सैटरडे तक। आप जब नेक्स्ट संडे आएंगे, आपको मुझे बताना है या हमारी बहनों को बताना है कि एक भी पाप को मैंने अंदर आने नहीं दिया। ये आपको करना एक्सरसाइज। आरिशो करेंगे? हाँ के ना? बोलिए यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, हालेलुया।